हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया हैं। तो गाइज, अभी हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं वो है कंपनी बाग, जो मुजफ्फरपुर में है। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सिटी पार्क, जो मुजफ्फरपुर में ही है। तो सिटी पार्क के अंदर लेके चलते हैं आपको। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, ये सिटी पार्क का गेट है, एंट्रेंस गेट। तो अभी ये बंद है, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हम लोग पीछे के गेट से चलेंगे इधर से। तो अंदर चलते हैं और अंदर में आपको एक्सप्लोर करते हैं। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहे, तो चलते हैं गाइज अंदर। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो गाइज, अभी हम सिटी पार्क के अंदर है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे झरना लगा हुआ, फाउंटेन, जो अभी चालू नहीं है अभी, क्योंकि काम चल रहा है इस पार्क में। तो गाइज, ये पार्क बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और काम चल रहा है। तो अभी हम लोग सोचे क्यों नहीं अपडेट दिया जाए आपको मुजफ्फरपुर शहर का। तो अभी हम लोग पार्क के अंदर ही है और आप देख सकते हैं इस साइड, और यही गेट है। और यहाँ पे आपको दो दो टिकट घर मिल जाएगा, एक साइड लेफ्ट में, एक साइड राइट में। तो आप इधर है, तो चलिए आपको आगे लेके चलते हैं और ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहे। सो गाइज, आपको अंदर लेके आया है और अंदर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैठने के लिए काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, जो यहाँ पे आप लोग आए तो घूमने पार्क में यहाँ पे बैठ सकते हैं। और भी आगे बहुत कुछ है, तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे और चलते हैं आपको आगे लेकर। तो गाइज, जब आप इंटर लेते हैं तो उसके लेफ्ट में आपको एक स्टैचू देखने को मिल जाएगा, जो स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस का है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा हम आपको क्लोजअप शॉट में लेके चलते हैं, उसके डिटेल के बारे में आपको पूरा बताते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं यहाँ पे। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका कुछ डिटेल वगैरह है, यहाँ पे आप लोग आए तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं स्टैचू के बारे में। तो गाइज, आपको बता दे कि फिर आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, बहुत कुछ है बताने के लिए ब्लॉग में। तो आगे लेके चलते हैं आपको। गाइज, आपको एक कॉर्नर पे आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा एक पहाड़ टाइप का, यहाँ पे पत्थरों से बनाया गया हुआ है, जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे। तो यहाँ पे शायद पानी उनी भी गिरता है इस पे से, इस पहाड़ पे से। तो ये काफ़ी खूबसूरत अभी है, दिखने को लग रहा होगा आप लोग को। तो ये अभी अभी काम चल रहा है इसमें, तो फिनिश हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आप लोग ज़रूर एक बार यहाँ विजिट करें सिटी पार्क को अपने मुजफ्फरपुर शहर में। तो चलते हैं आपको आगे लेके चलते हैं। आप उसके बाद अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको वाशरूम देखने को मिल जाएगा, जो लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए है। और उसके बाद यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए कैंटीन भी है पीछे में आपको। तो यहाँ पे कैंटीन वगैरह भी सब अंदर में ही है, तो आप लोग के लिए बेहतर है यहाँ पे। तो आप और पीछे देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ पे का लोकेशन। तो आप लोग मुजफ्फरपुर सिटी में आए क्योंकि काफ़ी काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पीछे में पानी वगैरह ये सब लगा हुआ है। तो आपको इस साइड में भी आपको बैठने के लिए बनाया गया है गुंबद उंबद, तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। आप लोग कपल वगैरह के साथ आते हैं या फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पे बैठने और घूमने के लिए काफ़ी अच्छा जगह बनाया गया हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड साइड से और बीच में टाइल्स वगैरह का भी ध्यान रखा गया है, जो यहाँ पर बनाया गया। तो चलिए आपको आगे लेके चलते हैं, ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइज, आप लोग जब उसके बाद अंदर आते हैं तो काफ़ी अंदर में आपको दिख रहा होगा, जो काफ़ी काम वगैरह ये सब चल रहा है, जिसके लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो काम उम के लिए ये सब खुदाई किया गया हुआ है। और आप यहाँ पे एक देख सकते हैं बैठने वाला जगह है, उसके बगल में जस्ट छोटा सा मंदिर है किसी भगवान का, जो भी हम भी नहीं देखे हैं। तो आपको थोड़ा सा सिनेमैटिक में आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर बता दें, इस साइड दो दो फाउंटेन है, आपको दो दो झरना है यहाँ पर, जो यहाँ पर है एक साइड में कॉर्नर में। तो ये भी झरना चालू हो जाएगा जब काम हो जाएगा पूरा अच्छे से हो जाएगा, तो लाइट वगैरह से सजाया जाएगा। तो और आपको इधर लेके चलते हैं, तो इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिखाते हैं, इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा पूरा बीच सेंटर। अंदर में इंटर करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट के लिए काफ़ी खूबसूरत पोल है यहाँ पर बीच में, और यहाँ पर बैठने वाला भी बनाया गया हुआ है बीच में गोल गोल लाइट के पास। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये जगह, और आपको हमारे पीछे का प्यारा सा लोकेशन आपको दिखने को मिल जाएगा, काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो सोचा क्यों नहीं आप लोग को भी अपडेट दिया जाए जो अपने मुजफ्फरपुर शहर का है। तो आप लोग ज़रूर एक बार विजिट करिए ये लोकेशन। और आप लोग जैसा कि जानते हैं अपने मुजफ्फरपुर शहर में जुबा सहनी पार्क है, तो आप लोग यहाँ भी आए ज़रूर, अपडेट हो जाएगा तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी प्यारा लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पीछे का लोकेशन काफ़ी मस्त है। तो आप लोग सिनेमैटिक इन्जॉय करते, फिर आपसे आगे मिलते हैं।
गाइज अभी हम यहीं पे ब्लॉग को एंड करने वाले हैं। हमने आपको फुल डिटेल में एक्सप्लोर कर दिया है और ये काफी बेहतर प्यारा लोकेशन है ये सिटी पार्क अपने मुजफ्फरपुर शहर का, हमें काफी बेहतर लगा। और अभी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये पार्क अभी ओपन नहीं है। हम लोग ने परमिशन लेकर इसके अंदर वीडियो शूट किया है आप लोग के लिए। आप लोग बोल रहे थे बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो गाइज ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो गाइज फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।